नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे जो पीवी एग्जाम लेने वाला है, इसमें एक जो एग्जाम आपका टेंटेटिव डेट जो डली हुई है, आप इसकी हम बात करेंगे। ये एग्जाम है इस ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 रिक्रूटमेंट 2020 में जो होने वाला है। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक ये एग्जाम होगा, मीन्स दो पालियों में एग्जाम होगा और ये 5 दिन एग्जाम चलने वाला है, ये शेड्यूल डाला हुआ है इनने। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये वाला जो एग्जाम है इसके अंदर कौन कौन से पद आते हैं और कौन कौन लोग किन किन पदों के लिए एलिजिबल हैं, मीन्स कौन किस किस ने क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है किस पद के लिए। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो नए व्यूअर्स हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हम समय समय पर अपडेट देते रहते हैं, जैसे ही सामान्य प्रशासन विभाग या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कुछ अपडेट करता है, कुछ चेंजेस करता है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं टाइम पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर ये वीडियो आप अंत तक देखें, अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना दोस्त। चलिए अब हम बात करते हैं, ये ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 का जो एग्जाम होने वाला है, इसका मैं आपको पिछले साल के नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ। आप देखिएगा, पिछली बार जो 2018 में जो एग्जाम हुआ था, हम उसकी बात करते हैं। ये देखिएगा, 2018 में जो एग्जाम हुआ है, समूह 2 उप समूह 4 मीन्स ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, इसके अंतर्गत ये इतने पदों पर एग्जाम हुआ था। एक्चुअल में इस ग्रुप के अंदर और भी काफी पद हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, साइक ग्रेड 1, साइक ग्रेड 3, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक होता है सुपरवाइजर, स्टेनोटाइपिस्ट, अन्वेषक, अन्वेषक का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटर, खंड स्तर अन्वेषक मीन्स ब्लॉक लेवल इन्वेस्टिगेटर, और अन्य समकक्ष पद इसमें जो पूछे गए थे। तो आपका जो खंड स्तर अन्वेषक है या पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षक के लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा था इनने, और अलग अलग जो पद है इनके लिए कुछ अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी है। मीन्स लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब साइक ग्रेड 1 है, इसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है उन्होंने, और साइक ग्रेड 3 के लिए ग्रेजुएशन भी मांगा है, और उसके अलावा उन्होंने कुछ और भी क्वालिफिकेशन है, स्टेनो की जो क्वालिफिकेशन है वो भी मांगी है उन्होंने, कुछ वर्ड है, और कंप्यूटर डिप्लोमा भी मांगा है। हुई थी दोस्तों 2018 में ये आवेदन मांगे थे इन्होंने, और ये परीक्षा का दिनांक भी आप देख पा रहे हैं, 2018 में ये एग्जाम हुआ था। तो अभी अगर हम इसकी बात करें तो इसके अलग अलग पदों पर अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगे हैं। जैसे देखिए, ये इतने सारे पद थे इस पर और सभी पद तृतीय श्रेणी के थे। अभी देखिए, अब ये चीज जरूर आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो पेपर होने वाला है, ये पेपर कॉमन होगा, इस पेपर के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाना है, ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। क्योंकि अब हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित। अब ये सामान्य अंग्रेजी भी आया हुआ है इस एग्जाम में, तो आप इसकी इंग्लिश की तैयारी। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक चीज क्लियर कर दूं, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, ये चारों की चारों चीजें हैं, ये 10th लेवल की आएंगी, मीन्स 10th क्लास तक आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं सामान्य हिंदी में, सामान्य अंग्रेजी में, सामान्य गणित में, तो 10th क्लास एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, जो 10th क्लास का जो सिलेबस है, अप टू 10th क्लास में, 8, 9, 10th, मतलब 10th क्लास तक ही चीजें पूछी जानी है। अब चूंकि जो सेकेंड पार्ट है, आप देख रहे हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता है, और सामान्य प्रबंधन। अब इसके अंतर्गत क्वेश्चन हो सकता है कम ज्यादा हो किसी से, सामान्य कंप्यूटर के ज्यादा आ जाए, या सामान्य तार्किक योग्यता के ज्यादा आ जाए, या सामान्य प्रबंधन के ज्यादा आ जाए, तो ये बैलेंसिंग रहती है। हो सकता है सामान्य प्रबंधन के 50 क्वेश्चन दे दे, बाकी 50 अलग अलग दे। प्रबंधन का मतलब है आपका सामान्य मैनेजमेंट के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये योग्यताएं कुछ भी हो, आपको ये चीज समझना है। तो मैं आपको सबसे पहले जो जीएडी ऑर्डर है उस पर ले चलता हूँ, ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ये क्या है, ये हमारा ग्रुप कौन सा है,
समूह दो और उपसमूह चार, ये समूह दो के अंतर्गत उपसमूह कितने हैं? चार उपसमूह। तो आप ऊपर के जो ग्रेजुएशन और ये वाला जो पद है इसके अंतर्गत ये बहुत सारे पद आप देख पा रहे हैं। आप देखिए औषधि निरीक्षक होता है, ड्रग इंस्पेक्टर बोलते हैं इसको, खाद्य सुरक्षा अधिकारी होता है, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर, अब ये सहायक है, प्रोग्रामर है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है, श्रम निरीक्षक, ये दोस्तों बहुत पॉपुलर पोस्ट है, श्रम निरीक्षक मीन लेबर इंस्पेक्टर, जैसे श्रम उप निरीक्षक, लेबर सब इंस्पेक्टर, सहायक है, कनिष्ठ सहायक प्रचार, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये काफी अन्वेषक है, पर्यवेक्षक होता है सुपरवाइजर, अन्वेषक होता है इन्वेस्टिगेटर, तो ये काफी पॉपुलर पद है। ये इनके कुछ पद हम बोल सकते हैं इनमें, देखिए आप ये कार्यपालिक पद है, ये ग्रंथपाल है, सहायक ग्रंथपाल है, ये सारे के सारे पद है, इनमें योग्यताएं कुछ कुछ पदों में अलग अलग है। जैसे आप देखोगे श्रम निरीक्षक है, इसमें सामान्य उन्होंने क्या मांगते हैं, सिर्फ क्वालिटी आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब कुछ एक पद है इनमें, जैसे ग्रंथपाल हो गया, या जो लाइब्रेरियन हो गया हमने उसमें देखा था, या कंप्यूटर प्रोग्रामर है, तो इसमें कंप्यूटर भी मांगेंगे ग्रेजुएशन के साथ साथ। अब कुछ पदों पे डायरेक्ट इन्होंने ग्रेजुएशन, तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो इसकी आपको तैयारी चालू कर देना। मैंने उधर बताया था पिछला जो आपका देखा था, आप यहाँ देखिए जो ग्रीन रेक्टेंगल बना हुआ है ये है, और ये आपका देख पा रहे हैं आपका जो ब्राउन कलर का रेक्टेंगल है इसमें आप देख पा रहे हैं, और ये जो इतने सारे पद हैं इसके अंतर्गत, हो सकता है कि जो परीक्षा हो उसमें कुछ पद ना हो, तो ये लेकिन ये पद ग्रुप का नाम यही है, आपको ये जरूर अच्छे से समझना होगा। एक बार और हम वापस से चलते हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं ये योग्यताएं हैं, ये इसमें पूरा दिया हुआ है। इसमें योग्यताओं में भी आपको देखिएगा समय समय पर सामान्य प्रशासन विभाग योग्यताओं में भी संशोधन करता है, तो बताया है। अभी देखिए, अब जैसे सहायक ग्रेड तीन दिया हुआ है यहाँ पर, कार्यपालक है लेकिन स्नातक उत्तीर्ण है, इसमें भी मांगा है, तो जिनके पास अगर ग्रेजुएशन है और कंप्यूटर डिप्लोमा है वो ये परीक्षा, या आईटीआई से भी जिनने कोपा किया है और ग्रेजुएशन है वो ये परीक्षा मतलब इसके लिए एलिजिबल। तो दोस्तों सीपीसीटी भी करना अनिवार्य है, जितने भी क्लेरिकल पद हैं उनमें सीपीसीटी की अनिवार्यता इन्होंने, सारी योग्यता है ये पढ़ा हुआ है, 2018 वाला आप रूल बुक उठाएंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। ये लाइब्रेरी साइंस है, साइक ग्रेड वन है। अब देखिए साइक ग्रेड वन है, साइक ग्रेड टू और थ्री, टू और वन ये सबसे बड़ा पद होता है, ग्रेड पे होता है, लेकिन इसमें योग्यता सिर्फ उन्होंने क्या बोला, स्नातक की जरूरत है, बाकी कोई कंप्यूटर डिप्लोमा कोई किसी चीज की जरूरत नहीं। तो ये भी समझना जरूरी है कि ये पद बहुत बड़ा है, इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। अभी देखिएगा और हमारे यहाँ ये आप ये देख लीजिए, ये आपके लिए ये वाला पद बहुत जरूरी है। अब इस वाले पद में क्या बोला है, अन्वेषक, खंड स्तर अन्वेषक है, ये कार्यपालिक पद है, लेकिन योग्यता क्या मांगी है इन्होंने, आप यहाँ से समझ लीजिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कॉमर्स में हो, अर्थशास्त्र में हो, ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, सांख्यिकी में हो, गणित में हो, समाजशास्त्र में हो, किसी भी एक विषय से द्वितीय श्रेणी, मीन्स अगर गणित रहा उसका, मीन्स केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ गणित हो, उसने बीएससी किया हो गणित से, या उसने बीए किया हो, या उसने बीकॉम किया हो, ये सारे विषय में कम से कम एक उसका विषय रहा हो, तो ये सभी लोग इसके लिए योग्य रहेंगे। अन्वेषक जो पद था, सारे कुछ पद थे, तो इसकी दोस्तों आप चाहें तो तैयारी चालू कर दें, ये बहुत पॉपुलर पोस्ट है, कार्यपालिक पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, तो इनकी तैयारी अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप इनकी तैयारी चालू कर सकते हैं। इसका सिलेबस भी दिया हुआ है, और दोस्तों जो पीवी की साइड है इस पर पिछले जो पेपर हुए हैं वो पेपर भी हम बता सकते हैं, पेपर भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो उन पेपरों को भी देख सकते हैं। जैसे देखिएगा आप, और ये मॉडल आंसर है, यहाँ से जाके आप पहले पेपर भी एक बार देख लें। क्या होता है कभी कभी जब हम तैयारी करते हैं तो हमको पेपर का अंदाजा नहीं रहता है, तो ये हम अभी देखिएगा आप ये देख पा रहे हैं आप, ये वाला 7 नंबर पर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2018 में 7वें नंबर पर जो दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे वो पेपर आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य, ये मैंने आपको सारे पद बता दिए, तो हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों धन्यवाद।